ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਉਸ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਓ ਦੇ ਜੈਸੀ ਮਾਰੋ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਪੀਏਗੇ ਲੋਕ ਸਿਗਰਟ ਸਭੀ ਪੀਏਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਗੜੀਆ ਕਿਆ ਸਿਗੜੀ ਪੀਏਗੇ ਲੋਕ ਪੀਤੇ ਹੋ हाँ मैं सिगरेट पीता बीड़ी पीता हूँ शराब पीता सब भी पीता हूँ मतलब हमें अवेयर करना चाहिए लोगों को कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है इसलिए हमें नहीं इसका यूज नहीं करना क्योंकि अब जो सिगरेट है ना वो हाई क्लास लोग ही पीते हैं जो छोटा है ना वो टोबैको ही पीता है बेचारा चुटकी वगैरह से काम चलाता है वो सिगरेट 15 रुपये की कहाँ अफोर्ड कर सकता है और जो 15-20 रुपये की सिगरेट पी सकता है वो 22 की भी ले सकता है सिगरेट पे तो पहले ही टैक्स लगा होगा पहले भी जो 5 का था 6 का पी रहे हैं अच्छा पहले 5 का अंकल आप पीते हो अभी भी जेब में ही है जिसने पीना उसने पीना ही पीना महंगी भी पिएगा पिएगा पीने अभी जेब में पड़ी हुई है ये पड़ी हुई है पहले 5 की जब 6 की पी रहे हैं जो देखो ना ये जो नशा मुक्ति वाला सामान है ना मैं कहता हूँ 16 छोड़कर 1600% लगाना चाहिए था फूक देना चाहिए हाँ सीधी बात है जी काफी खत्म करता है इसका बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया सिगरेट पे 16 के जगह 20 लगना चाहिए क्यों आपका क्या कहना है मेरा कहना भी यही है कि 16% के बजाय इन्होंने कहा सिगरेट मैं कह रहा हूँ अच्छा रेट और बढ़ना चाहिए और बढ़े और पिए लोग और मैं खुला पिए सिगरेट मैं कर दूं घट 60 साल मैं सिगरेट पीते हूं 2-2.5 साल हो जिले में मैं बिल्कुल छड़ी हो रहे उस परमात्मा का शुक्र है कि सेहत भी ठीक है सब कुछ ठीक है पीने वाले ही गल है पीने वाले अपने घर बार छोड़ सकते हैं पीना नहीं छोड़ेंगे सिगरेट नहीं छोड़ सकते वो नहीं छोड़ सकते मैं तो कहूँ 10% के 20% लगे सिगरेट नहीं पीते बिल्कुल भी नहीं धूम्रपान वर्जित है बिल्कुल So hi guys, this is Meenakshi Bhagat and you are watching The Baklol TV. देखो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि आज हमारी संसद में जो बजट पेश किया गया है उस पर 16% सिगरेट पे टैक्स लगाया गया है मतलब 16% जो सिगरेट है वो महंगी हो जाएगी तो क्या कहना है हमारे व्यूअर्स का आइए उनसे पूछते हैं कि क्या मार्केट में सिगरेट बिक्री कम हो जाएगी या फिर लोग उतनी ही महंगी सिगरेट पियेंगे तो आइए पूछते हैं लोगों से और जानते हैं उनके व्यूज आपको पता है सिगरेट पे 16% टैक्स लग गया 16 छोड़ के 32% भी लगा अच्छी बात है ये वाली कैसे अच्छी बात है अच्छी बात है लोग खुश हो जाएंगे उसमें क्या टैक्स लग गया महंगी हो गई है कोई बात नहीं महंगे 2 नंबर का काम और चल जाएगा उसमें क्या नहीं तो महंगी पियेंगे लोग सिगरेट सभी पियेंगे शराब महंगी पी रहे हो सिगरेट क्या सिगरेट भी पियेंगे लोग आप पीते हो हाँ मैं सिगरेट पीता हूँ बीड़ी पीता हूँ शराब पीता हूँ सभी पीता हूँ जितना महंगी चीज होगी उतना 2 नंबर का काम ज्यादा होगा अच्छा आप क्या चाहते 2 नंबर का काम हो 2 नंबर का काम है 4000 पे तो महंगी होगी है मैं पीता ही नहीं नहीं पीते हो आप जो पीते हो उनको क्या कहना चाहोगे उनका नहीं पीना चाहिए सेहत आप क्या पीते हो मैं चाय पी रहा हूँ चाय पीते हो चाय का नशा करते हो लोग तो खरीदेंगे जिनने पीनी हो तो खरीदेंगे तो क्या कहना चाहोगे कुछ नहीं कहना चाहूंगा पियो आराम से और मतलब पियो आराम से क्या कहना चाहोगे पियो आराम से शिखर मैं कह रहा हूँ अच्छा रेट और बढ़ना चाहिए और बढ़े तो और पिए लोग और मैं खुला पिए सिगरेट मैं तो यही कहता हूँ आप डब्बी बांटो लोगों को और मेरे पास हो ना अगर ये मोदी मेरे को पैसे दे दे ये पैसे दे दे मैं लोगों गरी फ्री अच्छा आपको पता सिगरेट पे 16% टैक्स लग गया पता नहीं हम पीते नहीं हो जिन्होंने बंद पीना हो वो आज 50 की डब्बी कल 100 की हो ये वो पियेंगे फिर क्या हाल है अंकल बस ठीक अंकल नहीं भैया अच्छा भैया क्या हाल है बस ठीक हूँ अच्छा आपको पता है कि सिगरेट पे 16% टैक्स लग गया देखो जी 16 क्या 200% लगे हम तो हाथ ही नहीं लगाते अच्छा आप नहीं पीते हम तो कहते हैं 1000 गुना लग जाना चाहिए अच्छा हम नहीं लगाते उससे क्या होगा किससे मतलब अगर टैक्स ज्यादा लग जाएगा तो उससे क्या होगा जो पीने वाले वो छोड़ देंगे आपको लगता है कि छोड़ेंगे मगर वो छोड़ेंगे नहीं ना वो तो लग गया वैसे पब्लिक को यही सोचना चाहिए कि छोड़ दिया जाए अच्छा। क्योंकि महंगाई है क्या फायदा इससे अच्छा। पीने के लिए वो तो हानिकारक है अच्छा हाँ और क्या कहना चाहोगे बस महंगाई बढ़ती जा रही है और क्या कहना है सिगरेट भी महंगी हो गई सारी चीजें तो महंगी हर एक चीज महंगी हो रही है क्या आखा दे अंकल पीने वाले ही गल है पीने वाले अपने घर बार छोड़ सकते हैं पीना नहीं छोड़ेंगे सिगरेट नहीं छोड़ सकते वो नहीं छोड़ सकते चाहे क्या कहना चाहोगे उनको क्या कहना है हम तो यही कहते हैं भाई अपने घर के लिए ये थोड़ा मतलब उसको क्लोज करने की कोशिश करो नहीं करेंगे वो घर वालों को भी इतना डालेंगे
उन्होंने अपना शौक पूरा करना है। 16% महंगी हो जाएगी, क्या कहना चाहोगे? महंगी हो जाएगी साहब, महंगाई को कम करना चाहिए। कम करना चाहिए और क्या? नहीं, ये ठीक हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ। गलत हुआ जी। आप पीते हैं सिगरेट? नहीं, हम नहीं पीते। अभी तक जहाँ तक मेरे को अपना एक्सपीरियंस है, कोई भी ऐसा बजट नहीं है जब तक जहाँ पे भी सिगरेट के ऊपर और टबैको के ऊपर एक्स्ट्रा बजट ना लगता हो, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। वो तो सब कुछ मेंटली प्रिपेयर ही होते हैं कि इस पे ऊपर एक्स्ट्रा लगने लगना है, तो इसमें तो कोई नई बात नहीं। लेकिन जो सिगरेट पीते हैं उनको क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे? नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जो सिगरेट है ना वो हाई क्लास लोग ही पीते हैं। जो छोटा है ना वो टोबैको ही पीता है बेचारा, चुटकी वगैरह से काम चलाता है, वो सिगरेट 15 रुपये की कहाँ अफोर्ड कर सकता है, और जो 15-20 रुपये की सिगरेट पी सकता है वो 22 की भी ले सकता है। तो क्या ये जो बजट आया इससे हेल्प मिलेगी कुछ? बहुत बढ़िया बजट है। एक तो वो उन्होंने जो 7 लाख कर दिए लिमिट, 5 लाख to 7 लाख, वो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 लाख से ऊपर नहीं जाएगी, पर ये तो 7 लाख गई है, जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। मतलब सही किया, बहुत बढ़िया। अच्छा अंकल, तुझे पता है सिगरेट ऊपर 16% टैक्स लगने वाला लगी है? अच्छी बात है, हम पीते हैं। अच्छी बात है। हाँ। नहीं, आप क्या कहना चाहोगे? हम क्या कहें, हम तो कुछ नहीं कह सकते। मतलब महंगी हो गई है सिगरेट, तो जो सिगरेट पीते हैं क्या वो कम कर देंगे सिगरेट पीना? छोड़ना चाहिए वैसे। आपको पता है 16% टैक्स जो है वो सिगरेट पे लगने वाला है, क्या कहोगे? अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ। कैसे अच्छी बात है? लोग पिएंगे कम। आपको लगता है कि लोग कम पिएंगे? अच्छा, तो इससे कुछ मतलब फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क तो पड़ेगा। लोग पीने वाले जो हैं वो पिएंगे नहीं, जो नए पीने वाले हैं वो लेंगे नहीं। अच्छा, वो नहीं लेंगे? वो नहीं लेंगे, वो कैसे टैक्स लगे तो कैसे लेंगे, फिर महंगा हो जाएगा ना। नहीं लगा, लगा 16% है। अफोर्ड नहीं ना करेंगे। अच्छा, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कहीं वो सिगरेट से बीड़ी पे तो नहीं आ जाएंगे? किस पे? सिगरेट पे। सिगरेट पे तो पहले ही टैक्स लगा होगा, पहले भी जो 5 का था 6 का पी रहे हैं। अच्छा, पहले 5 का। अंकल, अंकल आप पीते हो? अभी भी जेब में ही। अभी भी जेब में ही अंकल की। नहीं, बताओ ना क्या किया सरकार ने, सही किया गलत किया? अब जिसने पीना है उसे पीना ही है। अच्छा। 100 की हो जाए 300 की हो जाए, जिसने अच्छा। पीना है उसे पीना ही पीना है। महंगी भी पिएगा? पिएगा, पीने अभी जेब में पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है। पहले 5 की जब 6 की है पी रहे हैं। अच्छा, पी रहे हो। आगे भी पियोगे? पिएंगे जितने। सिगरेट पार्टी जिंदाबाद। मतलब जिंदाबाद, मतलब गुड़ गुड़ के क्यों मरना है, एक ही बार मरो। हे भगवान, 16% टैक्स लगने वाला, क्या बोलोगे? अच्छी बात है, लगना चाहिए। लगना चाहिए क्यों? क्योंकि इससे स्मोकिंग कम होगी। आपको लगता है स्मोकिंग कम होगी? छोड़नी चाहिए, अगर टैक्स लगेगा तो स्मोकिंग कम होगी ना। अच्छा, तो अच्छी बात है, लगना चाहिए। मैं तो 16 से ज्यादा 80% करना चाहिए इनको। अच्छा, तो सिगरेट पीने वाले कम हो जाएंगे उससे? होना चाहिए, थोड़ा कम तो करेंगे ना, पीना तो कम करेंगे ना। तो आप इस बजट से खुश हो? हम बिल्कुल। अच्छा, मेरी बात सुनो, कुछ कहना चाहोगे सरकार को? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहना चाहोगे, करो करो करो, जो करना कर सकते हैं। जितनी मांग कर रही है करो, हम तैयार हैं, हम सिगरेट पीने के लिए। 10 का भी हो जाए पियेंगे। अगर बांटोगे सिगरेट? किसको बांटे, क्यों 10 में कोई बांटता है? चार 10% लग जाए वो भी ठीक है, हमें कोई टेंशन नहीं, हम पीते ही नहीं। आपको कोई टेंशन नहीं है, आप नहीं पीते? लग जाओ, मैं तो कहूँ 10% के 20% लगे। सिगरेट नहीं पीते आप? बिल्कुल भी नहीं, धूम्रपान वर्जित है बिल्कुल। तो आप बड़ा मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुराने मुस्कुराने वाला और क्या करें आप? देखो ना कितना अच्छा है। अच्छा, आपको पता है, मुद्दे पे आते हैं, आपको पता है कि जो सिगरेट है 16% टैक्स लग गया उस पर, लगने वाला है, क्या कहोगे? लगाने दो, लगाने दो। हाँ, जो देखो ना ये जो नशा मुक्ति वाला सामान है ना, मैं कहता हूँ इसे 16 छोड़कर 1600% लगाना चाहिए था। अच्छा, फूंक देना चाहिए। हाँ, सीधी बात है जी, काफी खत्म करता है इसका। देखो आज 16% पता, नेक्स्ट टाइम कहीं 24% हुआ, इसको एक ही दाम ही बढ़ा दो, इतना इतना बढ़ा दो कि जो जो दिन में 10 पीने वाले ना वो बेचारा 1 पिएगा, थोड़ा सेहत का भी उसका होगा, थोड़ा गवर्नमेंट को पैसा ही पूरा पहुँच जाएगा उसके हिसाब से। ठीक है, गलत है। 16% महंगी होने वाली है, क्या कहना चाहोगे? मैं पीता ही नहीं, बात ही खत्म। कभी हाथ में नहीं लगाया, बोल के भागे, मैं पीता ही नहीं, बात ही खत्म। यही बात कह सकते हैं। जो सिगरेट पीते हैं उनका क्या हाल होने वाला है? आप देख लो क्या हाल होता है उनका, आपको खुद ही समझदार है। मेरे से ज्यादा समझदार तो आप ही है। आप बताओ ना थोड़ा सा, आपको पता ही है क्या हाल होता है? आप सिगरेट, आपने कभी सिगरेट की डब्बी देखी है? हाँ। उसके ऊपर चेहरा देखा कभी आपने? हाय हाय हाय, देखने का दिल करता है उसका? खराब हो गया। उसका देखने का दिल करता है? बिल्कुल। जो डब्बी को हाथ लगाया थे उसको फेंक ही दें जी चीज। अब आप उसके आगे क्या बता सकता हूँ मैं आपको? होने वाली है, क्या बोलोगे जो पीते हैं? बंद ही कर दे। आप पीते हो? पीते हैं, कभी कभी बंद कर देंगे। बंद कर दोगे? फिर क्या, पक्का बंद कर दोगे? और क्या,
मतलब महंगी होने के कारण बंद कर दोगे या फिर ऐसे ही? तो जेब में पैसे भी तो होने चाहिए पीने के लिए। अंकल जी तुसे ही पता है सिगरेट ऊपर 16% टैक्स लगने वाला, क्या आख गए हो? ये पुत्र मैं तो ये कहना कि सिगरेट तुसी बंद करी रहो ते सो खरा। अच्छा। ओ निरा कैंसर दी बीमारी। अच्छा। निरी तवाई दे बर्बादी। अच्छा। ते बिल्कुल सत्यानाश। अच्छा। ते मैं घट तो घट 60 साल मैं सिगरेट पीते। अच्छा। हूँ 2-2.5 साल हो जाए मैं बिल्कुल छड़ी हो रहे। कैली? उस परमात्मा का शुक्र है कि सेहत भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। नहीं तो मेरे को चलन भी नहीं सी होता। अच्छा। ये सिगरेट है ये भलिया बैन लगाना चाहिए। अच्छा। सिगरेट के शराब उपर लेकिन गोरमेंट नहीं मनती। इसका 50% भी टैक्स लगेगा, वो लोग पियेंगे पियेंगे। सरकार ने सही किया टैक्स लगा के? सरकार ने तो अपना काम सही करना, उसने गलत थोड़ी करना। बहुत टैक्स क्यों लगा रही है भाई, लोग छोड़ेंगे। हाँ। लेकिन लोग नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। गरीब मार तो नहीं है ये कहीं? गरीब उसने पीने ही पीने हैं, जिन्होंने पीने उन्होंने पीने ही पीने हैं सिगरेट। तू उसे शुक्र मना गया जुले तुसे सिगरेट छड़े उले 16% सिगरेट महंगी हुई? मैं शुक्र किया मैं छड़ी और भले हैं 75 साल मेरी उम्र मैं छड़ी और बिल्कुल। आपको पता है कि जो सिगरेट है उस पे 16% जो है वो टैक्स लगने वाला है कुछ? हाँ जी। कहोगे? अच्छी बात है, लगना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए, मतलब हमें अवेयर करना चाहिए लोगों को कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए हमें नहीं इसका यूज नहीं करना चाहिए। सिगरेट पीते मजा आता है? सिगरेट का मजा की आता? उस जवानी सी लगता कख नहीं सी, पियो जैशी मारो हूँ सब कुछ छा सब कुछ है सब छोड़े सारा कसूर जवानी का। जवानी होंगी अन्नी ते उसी जानी के जवानी अपने बगैर लगता है कख नहीं आ। मैं जलसे मारदा रखा पीता आनंद लादा। हाँ तो हूं भगवान का शुक्र है कि छड़ी हो रही है, छड़ी कर छोड़ त्यागी हो रहा। अंकल आपको पता है सिगरेट जो है वो 16% महंगी होने वाली है, क्या कहना चाहोगे? अच्छी बात है, 100% महंगी होनी चाहिए। 100% महंगी होनी चाहिए, महंगी होनी सिगरेट। अच्छा अंकल आपको पता है सिगरेट पे 16% टैक्स लगने वाला है, क्या बोलोगे? वो खत्म होना चाहिए, सिगरेट ही खत्म होना चाहिए, नशा है, ड्रग्स है। अच्छा। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर बैन लगाना चाहिए। बैन लगाना चाहिए? हाँ बैन लगाना चाहिए। वो जो बेचारे पीते हैं उनका क्या हाल होगा? नहीं नहीं वो बच जाएंगे। अच्छा। वो बच जाएंगे, उनकी जिंदगियों से खेल रही है गवर्नमेंट, क्योंकि टैक्स खाती है और नशा को आगे कर देती है और फिर लोगों से कहती है कि भाई शराब बंद करो, सिगरेट मत पियो, रस्तों में पकड़ लेते हैं। जब वो दुकानों पर ड्रग्स बिकेगा तो लोगों ने तो पीना ही है। आपको पता है 16% टैक्स लगने वाला है सिगरेट पे, तो क्या कहना चाहोगे, क्या राय है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सिगरेट पे 16 के जगह 20 लगना चाहिए। अच्छा, आपका क्या कहना है? मेरा कहना भी यही है कि 16% के बजाय इन्होंने कहा, हमारे सरपंच है ये गंधारी पंचायत से, पाडर से रहने वाला, मैं DDC हूँ पाडर का। मैं कहता सिगरेट और शराब पे जितना टैक्स लगेगा उससे हमें बहुत खुशी है। अच्छा। क्योंकि ये बुराइयाँ हैं, बुराइयों का खत्म होना चाहिए, अंत होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट जितना भी महंगा करती है हमें बहुत खुशी होगी इसमें। अच्छा। आप क्या कहोगे अंकल? मेरा भी यही ख्याल है जी, नशे वाले कोई भी चीज़ है उस पर टैक्स होना चाहिए। अच्छा। जिससे गवर्नमेंट को फायदा हो और बुराई से बच जाए, नए युवा पीढ़ी जो है इस नशे से बचे और देश की तरक्की करे, आगे चले, और टैक्स जितना भी इस पर लगाए हम खुश हैं। तो 16% टैक्स सिगरेट पे लगने वाला है, तो ये तो थी लोगों की निजी राय, और आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आगे की वीडियोस देखते रहने के लिए देखते रहिए द बकलोल TV।